आइए भदोही की अपडेट लेते हैं, जहां भाजपा प्रत्याशी अमित सिंह से पार्टी ने समर्थन वापस ले लिया है। प्रदेश नेतृत्व ने नामांकन वापस लेने को कहा था। बीजेपी जिलाध्यक्ष समय बीत जाने के बाद भी नामांकन वापस नहीं लेते हैं, तो इस पर समर्थन वापसी का आदेश आ गया है। भाजपा विधायक रविन्द्र नाथ त्रिपाठी के भाई अनिरुद्ध त्रिपाठी भी प्रत्याशी हैं, तो भाजपा के फैसले के बाद विधायक का पलड़ा भारी है। यहां नामांकन वापसी के आदेश थे, लेकिन नाम वापस नहीं लेने पर समर्थन जरूर वापस हो गया है, लेकिन अब मैदान में जरूर डटे हैं। 3 तारीख को फैसला होगा। प्रदेश नेत्री के निर्देश पर भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी अमित सिंह प्रिंस थे, प्रदेश नेतृत्व ने उनसे अपना समर्थन वापस ले लिया और उन्हें पर्चा वापसी की बात कही, लेकिन वापसी के समय तक वो नहीं आए, अब वो स्वतंत्र हैं। सहयोगी रोहित फोन लाइन पर है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ परिस्थितियां रही, क्या कुछ समीकरण बन रहा है। रोहित जी, मैं बता दूं कि यहाँ पे जब ये चुनाव की तो तैयारी चल रही थी, जब बीजेपी विधायक हैं रविन्द्र त्रिपाठी, उनके भाई है, उनके भतीजे ने जब ये उन्होंने भी टिकट की मांग की थी, जब उनको टिकट नहीं मिला तो ये लोग निर्दल चुनाव लड़े थे और चुनाव जीत भी गए थे। इसके बाद तभी से माना जा रहा था कि जिला पंचायत अध्यक्ष की जो कुर्सी होगी वो विधायक के घर के खेमे खेमे में ही आएगी, लेकिन उसके बाद अचानक से यहाँ पे दाव बदला, राजनीति पलटी, तो बीजेपी से जीते हुए जो प्रत्याशी थे अमित सिंह, वार्ड नंबर 24 से जिनको जिताया गया था, तो उनको जिला पंचायत अध्यक्ष कुर्सी का वो दावेदार बनाया गया, पार्टी की तरफ से अधिकृत प्रत्याशी बनाया गया। तभी से देखा गया था कि भदोही जनपद में बीजेपी कई फाड़ में बढ़ गई थी, लोग नहीं चाह रहे थे कि अमित सिंह को जिताया को टिकट मिले, और विधायक भदोही की तरफ से जो औराई के विधायक है दीनानाथ भास्कर, वो भी इनकी तरफ से थे, और पार्टी के तमाम जो कार्यकर्ता थे, तमाम जो नेता थे बीजेपी के, वो सब विधायक की तरफ से। तो ये माना जा रहा था कि विधायक का पल्ला ही भारी पड़ेगा, और इसी के लिए उनका विधायक के भाई जो अनिरुद्ध त्रिपाठी हैं, उन्होंने निर्दल अपना नामांकन दाखिल किया था, और ये नामांकन दाखिल के बाद ही माना जा रहा था कि इनकी चुनाव की जो रणनीति है वो जीत के कगार पर है। और आज ये देखा गया कि पार्टी की तरफ से जो बीजेपी के जो जिला अध्यक्ष हैं वो काफ़ी देर तक इंतजार करते रह गए, जो उनके प्रत्याशी थे अमित सिंह, उनको बुलाया गया था कि आप अपना पर्चा वापस ले लीजिए, लेकिन अंत तक वो नहीं आए। बाद में मजबूरन प्रदेश के कहने पर जिला अध्यक्ष भदोही ने उनका जो है, जो उनको जो समर्थन दिया था बीजेपी की तरफ से, वो उनसे वापस ले लिया गया है। तो अब माना ये जा रहा है कि भदोही के जो विधायक है रविन्द्र त्रिपाठी, उनके जो भाई है, उनकी जो जीत सुनिश्चित मानी जा रही है, ऐसा है जी। बिल्कुल, तो भदोही का गणित भाजपा के हिसाब से बिगड़ता नजर आ रहा है, अब देखते हैं कि किस तरीके